अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा आज़ाद वीज़ा या कंपनी वीज़ा के बारे में, किस पे काम करना बेहतर है, आर्डर किस पे सही आता है, कंपनी में या आज़ाद में। तो इसके बारे में आज मैं डिटेल के साथ बात करूंगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि और भी जानकारी आपको देता रहूँ अपने चैनल के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए। तो यहाँ पे मसला ये आता है कि अभी सऊदी अरब में कहीं भी किसी भी सिटी में चले जाओ, सब जगह पे कंपनी वाले हैं, कंपनी वाले बहुत ज़्यादा हैं, बाइक राइडर जो हैं, जिसकी वजह से अभी खारजी लोगों के पास आर्डर बहुत कम आता है। और अगर उनके पास खारजी के नाम की आईडी है, फिर तो एकदम ही समझ लो कि बेकार हैं, आर्डर बहुत कम ही आता है। 10 घंटे 12 घंटे आप काम करोगे, 2-3 ऑर्डर 4 ऑर्डर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बात करें कंपनी की, तो कंपनी में अगर आप कार से करते हैं तो उसमें तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, अगर बाइक से करते हैं तो उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बाइक में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। मैं पहले से ही मना करता हूँ, जो लोग नए हैं, पहली बार सऊदी अरब आ रहे हैं, वो बाइक राइडर में उनको नहीं आना है। जो पुराने हैं उनके लिए ठीक है, जो जिनका एक्सपीरियंस है सऊदी अरब में कार ड्राइविंग में, वो लोग भी, उनको सब पता है यहाँ पर कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, तो उनके लिए सही है, उनके लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन काम रिस्क वाला तो है ही बाइक का। और आज़ाद की बात अब करूँ मैं, तो आज़ाद में अगर आपके पास सऊदी आईडी है तो फिर आप काम कर सकते हैं, सऊदी आईडी पे आर्डर आता है। अब हंगर वाले का सिस्टम क्या है, ये पहले आर्डर भेजता है कंपनी वालों को, उसके पास जिसके पास सऊदी आईडी है उसके पास भेजता है आर्डर, उसके बाद लास्ट में जो बचता है वो भेजता है खारजी लोग के पास। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको अगर आज़ाद में काम करना है, बाहर काम करना है, तो आपके पास सऊदी आईडी होनी चाहिए। एक हंगर की बना लो, एक टोयो की बना लो, या तो जाहिज़ की बना लो, दो आईडी होनी चाहिए, ज़रूरी है दो आईडी, एक आईडी से आप कमा नहीं सकते पैसा अच्छा, तो 3 आईडी बना लो तो और बेहतर रहेगा, एक एक करके काम चला लें अपना उसी में। क्योंकि मैं बाहर भी काम कर चुका हूँ आज़ाद रह के, कंपनी में भी कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, इसीलिए बता रहा हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं वीडियो पे कि कफाला करवाना है या वीज़ा दे दो या फिर कोई आईडी बना दो, आईडी बना के दे दो। तो आईडी का तो काम मैं करता नहीं, ना वीज़े का काम करता हूँ, तो मुश्किल है आईडी देना बना के किसी को। आईडी आपको खुद बनवानी पड़ेगी, आपको कोई दोस्त यार है उससे बात करें, कोई सऊदी अगर मिल जाता है अपनी आईडी दे रहा है तो उससे आप आईडी बना के काम कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है आज़ाद में काम करना और कंपनी में काम करना, अब इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस में बेहतर रहेगा, आज़ाद में या कंपनी में। क्योंकि कंपनी में तो सैलरी ज़्यादा रहती है, लेकिन बाइक राइडर में, कार में नहीं, कार में सैलरी कम रहती है। और आज़ाद में खारजी आईडी से आप काम करेंगे तो वो चलेगा नहीं, सऊदी आईडी ज़रूरी चाहिए आपको, तो सऊदी आईडी का इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको। और सऊदी आईडी बहुत से लोग बेचते हैं बना के, जो बना के बेचते हैं उसमें थोड़ा स्कैम भी होता है, आईडी आपको बना के देंगे 2-3 महीने चलेगी, उसके बाद वही आईडी किसी और को भेज देंगे, आईडी बंद हो जाएगी फिर किसी और को भेज देंगे, तो ये भी नहीं पता है अब कौन ऐसा करता है कौन नहीं करता है, बहुत से लोग करते हैं बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो इसमें भी थोड़ा धोखा हो जाता है। अब फ़िलहाल मैं बाहर ही काम कर रहा हूँ, कंपनी में नहीं हूँ, कंपनी से मेरा थोड़ा मसला है जैसे कि मैंने पहले बताया ही था। तो अभी सऊदी की आईडी पर काम कर रहा हूँ मैं, उस पर भी आर्डर बहुत ज़्यादा नहीं आता, मान के चलिए अगर आप 10-12 घंटे काम करते हैं तो 12 घंटे अगर काम करते हैं तो 12 ऑर्डर हो जाता है। इसमें सिटी का भी फ़र्क रहता है, बहुत सी सिटी ऐसी है जहाँ पर कंपनी वाले नहीं हैं, वहाँ पे अगर आप काम करेंगे तो वहाँ अच्छा खासा आर्डर हो जाएगा सऊदी आईडी से, खारजी पे बहुत कम। और जहाँ पे कंपनी वाले हैं वहाँ पे तो समझ लो एकदम मामला ख़त्म ही है, खारजी लोग को तो आर्डर ही नहीं आएगा, सऊदी लोग पे आ जाएगा जो भी मेहनत के हिसाब से। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं 2 आईडी बनाया हूँ सऊदी के नाम पर, एक हंगर की है एक टोयो की है, 2 आईडी बनाए हूँ, 2 आईडी से मैं काम चला रहा हूँ। एक दोस्त है उसी के पास रहता हूँ, ये गाड़ी भी उसी की है और आईडी भी उसी ने बना के दी है, उसके कोई दोस्त यार से अपने किसी सऊदी का एकामा लाइसेंस लेके उसी के नाम पे बनाया है, वो भी करता है मैं भी करता हूँ उसी एक ही आईडी से।
काम चल रहा है उसी में भी। तो बहुत सारे लोगों को यही डाउट था कि किसमें काम करें, आज़ाद में करें या कंपनी में। उम्मीद है कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मेरा मैं शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।